गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज है जन्माष्टमी, आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। तो अभी मैं वॉक करके जस्ट आई हूँ क्योंकि बच्चे सुबह सुबह स्कूल चले गए हैं, तो मैं वहीं से वॉक करने के लिए चली जाती हूँ और फिर अभी वॉक करके आई हूँ। और मैंने सोचा कि चलो आज जन्माष्टमी है तो मैं अभी इंडियन शॉप जा रही हूँ, जाके फिर मुझे फूल अगरबत्ती ये सब लेना है। तो अभी चलिए मैं अभी निकलती हूँ और फिर वहाँ से आके फ्रेश होकर फिर पूजा वगैरह भी करना है। तो चलिए अभी इंडियन शॉप चलती हूँ और फिर मिलती हूँ मैं आपसे वहीं पे। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ अभी इंडियन शॉप में। एक्चुअली आज मैं दूसरे इंडियन शॉप में आई हूँ, यहीं से मैं जाकर सामान लेती हूँ। और ये देखिए ये है हमारा इंडियन शॉप। तो चलिए शॉप के अंदर चलते हैं। तो ये है इसका मेन डोर और ये देखिए मेन डोर के पास आते ही यहीं पे पूजा का सारा सामान रखा हुआ रहता है। और यहीं पे अगरबत्ती थी तो मैंने सोचा एक ही बार मैं बड़ी वाली पैकेट ले लूँगी। और यहाँ पे भगवान जी थे तो पूजा का सारा सामान बस यहीं इसी रैक पे रहता है। और यहाँ पे मैं पहले आके उन्हें मैंने बोल दिया जब मुझे पहले फूल दे देने के लिए, तो वो फूल दे रही हैं वहाँ पर। और फिर मैं आ गई यहाँ पर अगरबत्ती लेने के लिए, तो मैं देख रही थी और बाकी का भी मुझे कुछ कुछ सामान चाहिए था तो वो मैंने वहाँ पे बोल दिया था उन्हें, तो वो वहाँ पे सामान दे रही थी। और बाकी मैंने ये देखिए यहाँ से मैंने ये सैंडल वाला अगरबत्ती ले लिया। तो ये देखिए मैंने यहाँ से ये देखिए फूल और ये अगरबत्ती सैंडल वाला ये बड़ा पैकेट है, ये दोनों मैंने यहाँ से ले लिया है। और भी मैंने काफ़ी सामान ले लिया वहाँ से क्योंकि मतलब आती नहीं हूँ, बहुत दिनों के बाद आई तो कुछ कुछ सामान ले लिया तो भारी हो गया। मैंने बोला कि नहीं मैं लेके नहीं जाऊँगी, आप पहुँचा देना। तो बोले ठीक है आप ये लेके जाओ क्योंकि मुझे ये अभी चाहिए था। तो चलिए बस अभी मैंने सामान ले लिया है और बाकी का सामान तो जब वहाँ आएगा तो मुझे कॉल कर देंगे। तो चलिए अभी मैं घर चलती हूँ और फिर फ्रेश होके फिर आपसे मिलती हूँ। शॉप से जैसे ही मैं घर पहुँची तो नहा धोकर फ्रेश हो गई और फ्रेश होते ही मैं यहाँ आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो चलिए अभी मैं पूजा कर कर फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो मेरी पूजा अब करके हो गई है और मैं बालकनी में आती हूँ पूजा करने के बाद एक अगरबत्ती लेके। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास देखिए यहाँ पे तुलसी जी भी हैं, तो मैं तुलसी जी की भी पूजा करती हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे भी एक अगरबत्ती लगा लेती हूँ, तो आज मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स लगाए हैं। ये देखिए यहाँ पे तुलसी जी हैं और ये देखिए मैंने जस्ट अभी यहाँ पर अगरबत्ती लगाया है। और ये मैं सुबह शाम लगाती हूँ तो देखिए ये यहाँ पर ऐसे सब अगरबत्ती का पड़ लगा हुआ है। ये मैं बीच बीच में धोती हूँ या फिर क्लीनर को बोलती हूँ तो क्लीन कर देती है। उसके बाद उस दिन हमने ये देखे यहाँ पे ये रोज़ का लाया था प्लांट, ये है रोज़। और ये तो मुझे पता नहीं है, तो देखिए कितना सुंदर है, अभी बहुत खिला खिला हुआ है। तो मैं सुबह शाम इसमें दोनों में पानी देती हूँ। और यहाँ पे भी तो दोपहर में दृष्टि को मैं स्कूल से जल लेके आ गई थी, थोड़ा सा देर हो गया था मुझे लेकिन बस वही है। और फिर दृष्टि स्कूल से आने के बाद थोड़ा देर सो गई, फिर मैंने थोड़ा बहुत काम वगैरह किया और उसके बाद अभी डिनर बना रही हूँ क्योंकि अभी शाम के यहाँ पर करीब 6 बज रहे हैं। और उसके बाद आज जन्माष्टमी है तो हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा मंदिर होके आते हैं, तो अभी मंदिर के लिए निकलेंगे। तो बच्चे भी बैठे हुए हैं, उन्हें दूध देना है, तो चलिए अभी मैं उन्हें दूध दे देती हूँ। अभी हम लोग रेडी हो जाते हैं, रेडी होकर फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो ये देखिए हम लोग रेडी होकर यहाँ से निकल चुके हैं और ये देखिए देवांश यहाँ पर खड़ा है। तो अभी हम लोग टैक्सी के लिए वेट कर रहे हैं, रेडी होकर जैसे उतरे हैं तो देख रहे हैं कि बारिश भी आ गई है और बारिश में अभी टैक्सी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी वेट कर रहे, देखते हैं कितने देर में टैक्सी आती है। तो चलिए अभी डायरेक्ट मैं आपको वहाँ टेंपल में जाकर मिलती हूँ। और अब कि हम लोग मंदिर पहुँच गए हैं और मंदिर के बाहर में देखिए कितना अच्छा आज लाइट का पूरा डेकोरेशन किया है। तो ऐसा अगर हर त्योहारों में मतलब जो पूजा यहाँ पे होती है तो ऐसे सजाते हैं लोग। तो ये देखिए ये है मंदिर का मेन गेट। और हम लोग जो है यहाँ से आए थे, तो ये देखिए यहाँ पे पूरा कलरफुल जैसे हमारे यहाँ लाइट से सजाते हैं, तो देखिए वहाँ पे भी सब लाइट से सजाया हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है। और ये तो मेन गेट है टेंपल का और देखिए अंदर भी कितना अच्छा सजाया है। और जो कि आज बारिश हुई तो देखिए वहाँ पानी भी बहुत जम गया, इसलिए ऊपर में ऐसे टेंट जैसे लगा दिया पूरा। और इस तरफ भी देखिए ये डेकोरेशन किया है। तो चलिए अभी मैं मंदिर के मेन गेट में चलते हैं।
और ये देखिए जैसे पूरा एकदम ऊपर से कवर करके बनाया पूजा खत्म होते ही यहाँ पर पंडित जी सभी को टीका लगा रहे हैं और प्रसाद दे रहे हैं, तो बच्चे भी यहाँ पर खड़े हैं। और चलिए मैं भी यहाँ टीका लगवा लेती हूँ और प्रसाद ले लेती हूँ और फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद। और ये देखिए ये है कान्हा जी का झूला, जो मैंने भी फर्स्ट टाइम यहाँ पर आकर कान्हा जी का झूला झुलाया। और ये देखिए ये यहाँ पर है राधा और कृष्ण जी, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और ये देखिए यहाँ पर किसी ने ये माखन की मटकी रखी है, शायद किसी ने चढ़ाया है, तो कितनी सुंदर लग रही थी। और ये देखिए यहाँ पर पंडित जी सभी को धागा बांध रहे हैं, ये जो हमारे यहाँ पर पूजा वाला धागा होता है, तो यहाँ पर बंधवाने के लिए देखिए लोग कैसे लाइन में खड़े हैं। और फिर पंडित जी यहाँ पर सबको वन बाय वन पूजा का धागा बांध रहे हैं। तो चलिए अब हमारे तो कान्हा जी के दर्शन भी हो गए और मैंने यहाँ पे झूला भी झूला लिया। और प्रसाद बंटने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर के बाद फिर यहाँ पे कार्यक्रम होने वाले थे, तो हमने सोचा चलो फिर हम भी थोड़ा सा रुक लेते हैं और कार्यक्रम देख के फिर यहाँ से चलेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ी देर के बाद यहाँ पे कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है और देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर ये आई हैं, यहाँ पे गाना चल रहा है, भजन जो ये गा रही हैं। तो बस अब ये हमने सोचा थोड़ा देर रुक लेते हैं देख के और फिर हम यहाँ से घर के लिए निकल जाएंगे।
और कार्यक्रम देखकर नीचे उतरे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब फूड स्टॉल लगा हुआ है, गर्मा गर्म समोसे छन रहे थे, जिलेबियाँ, नूडल्स और यहाँ पे आइसक्रीम था। तो हम मतलब मुझे लेना नहीं था, लेकिन बच्चे वहाँ गए तो उन्होंने ऐसे दे दिया आइसक्रीम, और ये काफ़ी सारा आइसक्रीम था तो बच्चे इतना तो नहीं खा पाएंगे, तो वही मेरे हाथ में दे दिया था, तो वो मैं आइसक्रीम खा रही थी। और देखिए यहाँ पे पूरा पानी सब क्लीन करके और यहाँ पे साइड में सब चेयर रख दिया था कि यहाँ पे लोग आए और बैठे और जो अपना खाने का है सामान आप वहाँ से जाके ले सकते हैं और यहाँ बैठ के अपना खा सकते हैं। और जैसे जैसे यहाँ पे टाइम हो रहा था तो देखिए लोग और भी आते जा रहे थे, जिनके दर्शन करके हो जा रहे थे तो वो यहाँ पे आ रहे थे स्टॉल के पास, और उन्हें जो चाहिए आप वैसे खाना अपने लिए ले सकते हैं और यहाँ चेयर पे बैठ के यहाँ पे खा सकते हैं। तो जैसे जैसे टाइम हो रहा था भीड़ और भी हो रही थी, मतलब लोग आ ही रहे थे, तो बस हमें यही था तो हम यहाँ पे थोड़ा रुक गए क्योंकि बच्चों ने वहाँ पे समोसे लिए थे जो खा रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है चलो यहाँ पे थोड़ा देर वेट करके और थोड़ा सा घूम के और फिर हम घर के लिए निकल जाते क्योंकि रात भी काफ़ी हो रही थी। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आ गए तो ये देखिए ये हॉल ना, मतलब हर मतलब अगर कोई कार्यक्रम हो तो ये हॉल का हॉल मतलब खुलता है, तो आज यहाँ पे शायद प्रोग्राम होने वाले थे इसलिए ये डोर ओपन किया हुआ था। और यहाँ पे काफ़ी सारी लड़कियाँ जो है राधा बनकर आई थी, डांस था शायद उनका डांस प्रोग्राम। ये हम देखने के लिए यहाँ नहीं रुके क्योंकि लेट हो जाता अगर रुकते तो बस यही है हम यहाँ आ गए तो बच्चे बोले थे मम्मी अब थोड़ा देर रुक जाते हैं। और ये देखिए जो राधा बनकर आई हैं लड़कियाँ यहाँ पे खड़ी हैं, इनका प्रोग्राम है, तो बच्चे बस अब यहीं पे खड़े थे और बोले मम्मी थोड़ा रुक के फिर चलते हैं, तो बस अब यहीं पे रुके हैं हम। मैं भी यहाँ थोड़ा देर बैठ जाती हूँ और फिर मिलती हूँ मैं आपसे अब घर जाकर, और तब तक के लिए आप बने रहिए। बच्चे को बहुत मज़ा आता है, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। ये देखिए देवान सदृश यहाँ बैठे हैं, और ये देखिए टुक टुक की लाइट भी चल गई, अब बंद भी हो गई, मतलब चलती है बंद हो जाती है, तो अच्छा लगता है। पास का हमारा भी एक लाइट जल रही है, और घर जाकर फिर मिलती हूँ मैं आपसे। और जन्माष्टमी में गए बहुत बहुत अच्छा लगा, चलिए अब घर जाती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे। तो ये देखिए अब हमारा खाना पीना हो चुका है और बच्चे सोने के लिए चले गए हैं क्योंकि वहाँ से आए, फिर मैंने फटाफट से डिनर बनाया और फिर बच्चे सोने चले गए हैं। और मैंने जैसे बताया था कि जाते वक्त में बारिश होने लगी थी, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कपड़े फटाफट बाहर करके रख दिए, अब ये मुझे अभी फ़ोल्ड करना है तो अभी मैं इसे थोड़ा सा फ़ोल्ड करके रख लूँगी उस। लेकिन जाने में हमें थोड़ी सी लेट हो गई थी, जैसे हम गए उसके थोड़ी देर बाद ही आरती ख़त्म हुई थी, तो चलिए थोड़ा तो हमें मिला, हम उसमें शामिल हो पाए। और जैसे कि जन्माष्टमी है तो आप सभी को फिर से एक बार हैप्पी जन्माष्टमी। तो चलिए अभी आज का ब्लॉग बस अब यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपने अगले नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और तब तक के लिए बाय बाय।